पिछले कल यानी मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह पार्टी प्रत्याशी विवेक बंटी साहू के लिए छिंदवाड़ा में रोड शो करने पहुंचे थे, लेकिन रोड शो के दौरान एक ऐसा वाकया सामने आया है जो सूबे की सियासत में चर्चा बटोर रहा है। मामला कांग्रेस से भाजपा में आए दीपक सक्सेना से जुड़ा है। दरअसल रोड शो के दौरान जब अमित शाह तमाम नेताओं के साथ रथ पर थे, तब दीपक सक्सेना भी वहीं मौजूद थे, लेकिन इसी बीच अमित शाह के सुरक्षाकर्मी उन्हें हाथ से पकड़कर रथ से नीचे उतार देते हैं। आप देख सकते हैं कि अमित शाह के एसपीजी प्रमुख दीपक को हाथ से खींचकर नीचे उतारने की कोशिश कर रहे हैं। सुरक्षाकर्मी दीपक सक्सेना को समझा भी रहे हैं और हाथ से भी पकड़ रहे हैं। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, हर ओर इसके ही चर्चे हो गए। हालांकि इसके बाद दीपक सक्सेना को इसी रथ में दूसरे कोने में जगह दे दी गई, लेकिन जो किरकिरी होनी थी वो तो हो चुकी थी। वैसे रथ से नीचे उतारने के पीछे रथ में क्षमता से ज्यादा लोग होना बताया जा रहा है। वहीं इस रोड शो में एक और अनोखा वाकया देखने को मिला, जिसने भी खूब सुर्खियां बटोरी। रोड शो के दौरान दीपक सक्सेना के समर्थक कांग्रेस के समर्थकों में नारे लगाते हुए नजर आए। वीडियो में साफ सुनाई दे रहा है कि दीपक भैया की बात पर मुहर लगेगी हाथ पर के नारे रोड शो में लग रहे हैं, और पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना रथ से समर्थकों को सामने हाथ भी हिला रहे हैं। इन नारों को सुनकर रथ में सवार तमाम नेता हक्का बक्का रह गए, लेकिन बाद में नारे में बदलाव करते हुए दीपक भैया का नाम पर मुहर लगेगी कमल निशान पर के नारे लगे। रोड शो में बवाल और हैरानी के मामले यहीं खत्म नहीं हुए। इसके बाद तीसरा वीडियो सामने आ रहा है और वो भी वायरल हो रहा है। दरअसल अमित शाह के कार्यक्रम के मुताबिक रोड शो खत्म होने के बाद शहर के छोटी बाजार स्थित श्रीबाड़ी माता मंदिर में पूजन के लिए जाना था। दीपक सक्सेना अमित शाह से मंदिर चलने के लिए कहते हैं, लेकिन शाह जाने से इनकार कर देते हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि शाह रथ से ही मना करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि दीपक सक्सेना कह रहे हैं, लिहाजा एक के बाद एक तीन वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस दीपक सक्सेना पर हमलावर हो गई है। ताना मारते हुए कांग्रेस ने कहा कि अपमान की बात करने वाले दीपक सक्सेना बताएंगे कि ये अपमान नहीं है, पूरे छिंदवाड़ा की जनता ने बीजेपी में जाने वालों का अपमान अपनी आंखों से देखा है। फिलहाल इस रोड शो के बाद छिंदवाड़ा की राजनीति में हलचल है। पंजाब केसरी टीवी के लिए साहुल सिंह की रिपोर्ट।